रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब ने एक नया वीज़ा मुतारफ़ करवाया जी। परदेसी भाई चाहे कोई भी है, मैं अच्छा अक्सर मेरे मुंह से परदेसी भाई निकल जाता है। परदेसी तो बेसिकली हम हैं जो परदेस में रहते हैं, वो जो पाकिस्तान में इंडिया बांग्लादेश में बैठे हुए वो तो परदेसी नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो परदेसी है। अच्छा बहरहाल, कोई भी मेरा भाई अगर कोई यहाँ पर मौजूद है, वो किसी भी अपने रिश्तेदार के साथ या दोस्त भाई अहबाब के लिए वीज़ा लेना चाहते हैं, या वो पाकिस्तान में इंडिया में बांग्लादेश में बैठा हुआ ये वीज़ा लेना चाहता है, तो एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन किन के लिए ये आपको बताऊंगा मैं। वैसे सऊदी अरब के वीज़ों के मतलब आपको शॉर्ट सा बताता चलूँ। आपको पता है, अगर आप साई खास, आमल मंजली, हार्स वगैरह छोटे महीने का वीज़ा लेते हैं, तो ये वीज़ा इस वक्त 4,000-5,000 रियाल से लेकर 7,000-8,000 रियाल तक जाता है। ठीक है, वो कफ़ील किधर का है, मंथली कितनी लेगा, कफ़ील अच्छा है, क्या मामला है। अक्सर वीज़े साई खास के भाई 2-2, 3-3 हज़ार रियाल में या फ्री भी मिलते मैंने देखे हैं, लेकिन वो बाद में मसले बनते हैं, ये कफ़ील नहीं अच्छा, ये है वो है। कफ़ील ताइफ का एक बंदे का, और ताइफ में इतना काम ही नहीं उसको मिल रहा है, तो जद्दा में काम करने जाएगा, साई खास का महीना है तो जद्दा में पकड़ा जाएगा। भाई तुम्हारा कफ़ील तो ताइफ का, तुम जद्दा में क्या कर रहे हो। हाँ, जद्दा का अगर कफ़ील है मिसाल के तौर पर आपका, और आप साई खास, आमर मंजिली या हार्स के वीज़ा के तौर पर, महीने के तौर पर बोल रहे हैं, आप जद्दा में घूम रहे हैं कहीं भी, और आपको शुरता अगर रोक कर पूछ लेगा तो आपको नहीं कुछ भी बोलेगा, वो छोड़ देगा। हाँ, वो काम करते हुए अगर आप पकड़े जाएंगे तो फिर हो सकता है आपको बदून कफील के ज़ुमरे में रखकर डिपोर्ट करे। लेकिन वो भी भाई मैंने देखा है कि मेरे खुद के दोस्त यार 10-10 साल हो गए लगे हुए हैं। अच्छा बहरहाल, अगर हम थोड़ा ऊपर जाएँ, आम्बल वगैरह वाले किसी भी महीने की बात करें, जो बड़े महीने होते हैं, तो भाई उनका इकामा भी बड़ा होता है, तकरीबन 10,000 रियाल में इकामा लगता है, और वो वीज़ा जो है वो 8-9 हज़ार रियाल तक का आपको मिलता है। अगर इससे थोड़ा ऊपर जाएं तो फर्दी मुसस्से आते हैं जी। फिर फर्दी मुसस्से के इकामे की फ़ीसें तो कम होती हैं, उनमें महरे मुख्तलिफ होते हैं, और यानी कि इकामा उनका बन जाता है अगर कफील के साथ आप एग्रीमेंट करके भी बाहर अपना काम कर रहे हैं, तो आपको 5-6 हज़ार रियाल सालाना एक साल का देना होता है कफील को, और आपका इकामा एक साल का आपकी पॉकेट में, और आप जिधर मर्जी काम करें। उसमें यह भी है जी कि वो वीज़ा थोड़ा 8,000 रियाल से लेकर 10-12 हज़ार रियाल तक जाता है, लेकिन उसमें महीना बड़ा होता है। अगर आपको कहीं शुरता रोक लेगा, काम करते हुए भी आपसे पूछ गूछ हो जाएगी, तो आपको कोई टेंशन नहीं बनेगी, बशर्ते कि आप अपने महीने के हिसाब से काम के ऊपर लगे हो, तो वो कोई टेंशन नहीं बनेगी आपको। फर्दी मुसस्से का ये होता है, इकामा सस्ते में बनता है और वीज़ा थोड़ा आपको महंगा मिलेगा, लेकिन बेस्ट है। हाँ, जो भाई अक्सर ये भी आप न्यूज़ सुन रहे होंगे कि भाई फर्दी मुसस्से तो सऊदी अरब में आने वाले वक्तों में बंद हो रहे, नहीं ऐसी कोई ख़बर नहीं है अभी तक, ना ही मेरे मुताबिक ऐसी कोई ख़बर आने वाली है। ठीक है, अभी चलते हैं जी इस वीज़े के मतलब। मैं एक बात आपको बताऊँ, मैं एक ऐसे पाकिस्तानी भाई को जानता था जो जद्दा में मुकीम था, और भाई सिर्फ़ और सिर्फ वो बच्चों को ट्यूशन नहीं होता है, बच्चों की एकेडमी बोल रहे हैं, आपने एकेडमी का नाम वगैरह तो नहीं रखा हुआ था, कोई छोटी सी अपनी एक एकेडमी बनाई हुई थी एक रूम में, वहाँ पर पाकिस्तानी अल अजीज़ जैसे बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तानी इंडियन, आपको पता बांग्लादेशी फैमिलीज़ काफ़ी रहती हैं, पाकिस्तानी इंडियन ज़्यादातर, तो वो पाकिस्तानी इंडियन जो फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उसके पास भेजते, यानी कि वो बच्चों को पढ़ाता था, उसका काम यही था। हाँ, वो एक भाई एक बच्चे से कितने लेता है, 50 रियाल 100 रियाल 150 रियाल महाना के तौर पर, वो तो मैं नहीं जानता। बहरहाल, ऐसा कोई बंदा अगर मिसा ऐसा यानी कि ट्यूशन पढ़ाने वाला नहीं, सुन ले, सऊदी अरबिया ने ऐलान क्या किया, सऊदी अरबिया ने अभी स्टूडेंट वीज़ा मुतारफ़ करवा दिया है। अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा एक तो आपने मिसाल के तौर पर आपने कोई भी किसी किस्म की तालीम के लिए सऊदी अरब जाना है, तो आप सोचते हैं कि मैं सऊदी अरब ये तालीम हासिल करना चाहता हूं, तो आप वो वीज़ा ले सकते हैं बा आसानी। ठीक है, और उसके बाद आप सऊदी अरब सफ़र कर सकते हैं। आपने मिसाल के तौर पर, हमने वीज़ा ले लिया कि मैंने एम ए उर्दू या एम ए इंग्लिश करना है, या मैंने इस चीज़ में या इस इंजीनियर में या इस चीज़ में मैंने डिप्लोमा लेना है, संत लेनी है, तो मैं सऊदी अरब से जाकर लेता हूँ, तो आप वीज़ा आपको मिल जाएगा, आप चले जाएंगे, आपका जो यानी कि यूनिवर्सिटी में जो टाइम है वो भाई 6 घंटे है, 8 घंटे है, उसके बाद आप फ्री हैं। उसके बाद आपकी जिधर रहाइश है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, आपकी जिधर रहाइश है भाई उधर ही आप बच्चों को ट्यूशन के तौर पर भी पढ़ा सकते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं होगी कि आप स्टूडेंट के वीज़ा के तौर पर हैं और आप ये क्या काम कर रहे हैं, नहीं, आप वहाँ पर मौजूद इर्द गिर्द के जो यानी कि फैमिलीज़ हैं उनसे, उनके बच्चे आपके पास पढ़ने आ सकते हैं, आप उनको पढ़ा सकते हैं, अपना रोज़गार चला सकते हैं, इसमें कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी आपको, ये क्लियर है। हाँ, इस वीज़ा के तौर पर अगर आप ये सोच रहे हैं
कि भाई मैं मिसाल के तौर पर कोई काम बाहर ढूंढ लूंगा वो करूंगा, या कहीं और मुझे काम मिल जाएगा तो वो नहीं, वो फिर गैर कानूनी होगा, उस वक्त मैं पकड़ेंगे तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा। हाँ, इस वीज़े के तौर पर आप मदीना शरीफ चले जाएँ, ज़ियारत कर सकते हैं। आप भाई उम्रा के लिए चले जाएँ, फिर भी कोई मुश्किल नहीं, आप उम्रा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो बहरहाल काम नहीं कर सकते आप बाहर, लेकिन अपने यानी कि जो आपका दायरा है यानी कि तलीम के मुतलक आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, बढ़ो जो बड़े हैं जी उनको भी तलीम दे सकते हैं, और खुद भी आपके पास स्टूडेंट का वीज़ा होगा, आप यूनिवर्सिटी वगैरह या कॉलेज वगैरह जो भी है उसको ज्वाइन करेंगे।